और मनुस्मृति जो वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था को प्रस्तावित करना चाहती थी, मूल मकसद उसका वर्ण और जाति के आधार पर व्यवस्था को प्रस्तावित करना और भारत के बौद्ध समाज को गुलाम बनाए रखना था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों का समर्थन चाहिए था और सभी ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने के लिए वो ब्राह्मणों को एकाधिकार और विशेषाधिकार देने का काम करती है। इसके अलावा मनुस्मृति ब्राह्मणों को विशेष रियायती भी देती है। रियायती मतलब छूट, किसी बात से छूट देना। तो उन रियायतों में से क्या है उसे हम जानते हैं। तो श्लोक नंबर 7.100 यानी 7.100 ये श्लोक कहता है कि चाहे कोई राजा मर भी क्यों ना रहा हो तब भी उसने ब्राह्मणों पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए और उसके राज्य में किसी ब्राह्मण की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अब ये जो श्लोक है या ये जो नियम है, नियम राजा को आदेश दे रहा है कि वो राजा कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, चाहे वो मरने की कगार पे पहुंच गया हो, उसके बावजूद उसने ब्राह्मण के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो टैक्स तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन राजा ने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके राज्य में किसी ब्राह्मण की मृत्यु भी ना हो। यानी ब्राह्मण कुछ नहीं देगा लेकिन बदले में ब्राह्मण को कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता राजा ने करना चाहिए। तो ये विशेष रियायत है, ये मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को दी। अगला जो श्लोक है वो है 8.123 ये कहता है कि न्यायप्रिय राजा ने तीन निचले वर्णों के व्यक्तियों को आर्थिक दंड देना चाहिए और निष्कासित करना चाहिए जिन्होंने झूठे सबूत दिए, लेकिन ब्राह्मणों को केवल निष्कासित करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति ये कहती है कि राजा ने क्या करना चाहिए कि जो दूसरे जो ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरे जो वर्ण के लोग हैं उन लोगों को आर्थिक दंड भी देना चाहिए और अपने राज्य से निष्कासित भी करना चाहिए। कब? अगर उन्होंने कोई झूठी गवाही दी है, झूठे सबूत पेश किए या उन्होंने ऐसा कोई गलत कार्य किया है तो आर्थिक दंड देना चाहिए और राज्य से निष्कासित करना चाहिए। लेकिन अगर वही किसी ब्राह्मण ने अगर कोई गलत कार्य किया है, झूठी गवाही दी है, झूठे सबूत पेश किए हैं राजा के सामने, तो उसको केवल निष्कासित करना चाहिए, उसके पास से धन संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। इस नियम को अगर हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें तो आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे उद्योगपति है जो भारत देश छोड़कर चले गए। तो देश छोड़कर गए लेकिन वो संपत्ति, धन संपत्ति उनके पास में है। तब अगर धन संपत्ति पास में होकर अगर वो देश छोड़कर चले गए तो वहां जाने के बाद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए और पैसे कमाने के बाद वो भारत देश छोड़ के चले गए, भाग गए, तो पैसा तो उनके पास है, तो उस देश में भी उनको सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। तो माना कि देश छोड़ के चले गए लेकिन वहां कोई सुख सुविधा की कमी तो है नहीं, भारत के जो भगोड़े उद्योगपति है जो देश का पैसा लूट कर चले गए। तो ये नियम क्या कहता है ब्राह्मणों के लिए? तो वो कहता है कि निष्कासित कर दीजिए, अगर ब्राह्मण ने गलत काम किया तो राजा से कहता है कि निष्कासित कर दीजिए, लेकिन उसका धन मत छीनिए। अब ब्राह्मण का धन नहीं छीना जाएगा, संपत्ति नहीं छीनी जाएगी उसके गलत कार्य करने के बावजूद, और वैसे ही उसको धन सहित निष्कासित कर दिया जाएगा, तो उसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं, क्योंकि धन तो उसके पास रहेगा अगले राज्य में जाके, वहां भी वो सुख संपन्नता के साथ में रह सकता है। लेकिन अन्य जो वर्ण है, ब्राह्मणों के अलावा दूसरे जो वर्ण के लोग है, उस वर्ण के लोगों ने क्या करना चाहिए राजा ने उनके साथ, कि अगर वो झूठा साक्ष्य देते हैं तो उनका धन संपत्ति छीन लेनी चाहिए और फिर निष्कासित करना चाहिए। तो आप सोचो कि अगर किसी व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया और उसके बाद में फिर उसको कहा कि तू अब राज्य से निकल जा, तो अगले राज्य में जाने के बावजूद भी उसकी स्थिति तो भिखारी की जैसी बनी रहेगी, उसके पास कुछ तो रहेगा नहीं, जो था वो तो राजा ने छीन लिया, तो भीख मांगने की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये जो मनुस्मृति का नियम है, ये मनुस्मृति का नियम ब्राह्मणों को आर्थिक विशेषाधिकार रियायतें देता है, उसको छूट देता है कि गलत काम करने के बावजूद तुमसे धन संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। अगला जो श्लोक है वो है 8.379 इस श्लोक में क्या कहा गया है कि राजा ने ब्राह्मण को मृत्यु दंड के स्थान पर सिर मुंडा देना चाहिए लेकिन अन्य जातियों को मृत्यु दंड देना चाहिए।
अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कोई कार्य करता है कि जिसकी सजा मृत्यु दंड है, तो राजा ने किसी ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसने उसके अपराध के लिए केवल उसका सर मुंडवा लेना चाहिए और मुंडवा कर उसकी सजा समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर वही कार्य अगर कोई दूसरी जातियां करे, वही अपराध अगर कोई दूसरी जाति के लोग करते हैं, तो उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। तो इस ये छूट ब्राह्मणों के लिए मनुस्मृति ने रखी। तो अब अगला श्लोक क्या कहता है, अगला श्लोक है 8.380। वो कहता है कि राजा ने किसी भी ब्राह्मण की कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी भी हत्या न करे, चाहे उस ब्राह्मण ने कितने भी अपराध किए हो, उसे अपनी संपत्ति सहित सकुशल चले जाने देना चाहिए। मतलब मनुस्मृति राजा को आदेश दे रही है कि ब्राह्मण की किसी भी प्रकार से हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई सा भी कारण हो जाए, वो कितने भी बड़े अपराध कर ले, कोई सा भी अपराध कर ले, उसके बावजूद ब्राह्मण को ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए राजा ने, बल्कि उसको अपने राज्य से सकुशल जाने देना चाहिए अपनी संपत्ति सहित। तो ये जो रियायतें है ये ब्राह्मणों को मनुस्मृति ने दी थी। अब आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इस प्रकार मनु ने ब्राह्मणों के द्वारा किए गए गंभीरतम अपराधों के लिए भी सामान्य दंड रखा, उसे केवल निष्कासित किया जाएगा, आर्थिक और मृत्यु दंड से मुक्त रखा। ये सुविधाएं रियायतें विशेषाधिकार है जो मनु या सुमिति भार्गव ने ब्राह्मणों को दिए, और इसके आधार पर ब्राह्मण राजा बन सकता था। इन रियायतों के आधार पर ब्राह्मण के पास इतनी शक्ति हो जाती कि वो राजा तक बन सकता था। तो इस प्रकार साथियों मनुस्मृति ने ब्राह्मणों को इसे विभिन्न प्रकार के एकाधिकार विशेषाधिकार दंड से मुक्त रियायत छूट बहुत कुछ मनुस्मृति ने ब्राह्मणों के समर्थन में दिया था और ब्राह्मणों को सारे अधिकार दिए थे। ये प्रतिक्रांति के बाद पुष्यमित्र शुंग के समय में मनुस्मृति लिखकर या कानून संहिता बनाकर ब्राह्मणों को ये सारे अधिकार दिए गए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि मनुस्मृति ने आखिर वर्ण और जाति पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए क्या क्या किया, आखिर कैसे उन्होंने वर्ण और जाति पर आधारित समाज व्यवस्था की रचना की, कि वो कौन से नियम थे जिसको आधार बनाकर समाज में वर्ण और जाति को प्रस्थापित करने का कार्य किया गया, इसे हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासा।